What's up guys, क्या हाल है? मेरा नाम है रजाखान, आप देख रहे टेकबॉक्स। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूबर बनने का सोचते हैं लेकिन उनके पास पीसी वगैरह रहता नहीं है और मोबाइल में करते हैं तो वाटरमार्क वगैरह आता, अलग अलग एप्लीकेशन है। लेकिन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए अपना एक फ्री का ऐप दे दिया है जिसके मदद से क्या होगा कि आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं और उसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं होता और कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता। तो उस ऐप के बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि लॉन्च हुए, हाल ही फिलहाल हुआ है। तो आपको लिखना है प्ले स्टोर में के YT क्रिएटर, जैसे YT स्टूडियो होता है यूट्यूब के लिए सारा कुछ देखने के लिए, वैसे YT क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर। देखिए ये वाला ऐप है और इसका ये जो है गूगल की तरफ से बनाया गया, यूट्यूब भी गूगल का है और ये ऐप भी गूगल की तरफ से बनाया गया। इसके अबाउट फोन में जाएंगे अगर तो आपको यहाँ पर भी नीचे में आपको दिख जाएगा, देखिए ऑफर्ड बाय गूगल LLC, ठीक है, लाइसेंस गूगल का मिला गया है। बाकी कौन कौन सा परमिशन लेता है सब कुछ है और ये एंड्रॉयड वर्जन 8.0 के ऊपर या 8.0 से ये मतलब चलता है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिंग करना है। जैसे मेरा यहाँ पर यूट्यूब का आइकॉन का लॉग मतलब आइकॉन दिखता होगा तो इस तरह से आपको लॉगिंग कर लेना। लॉगिंग करना बहुत ही आसान है, जैसे ही इंस्टॉल करेंगे आपको दिखाएगा, जैसे ही टाइप करेंगे वो लॉगिंग हो जाएगा बिना आईडी पासवर्ड का, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखता होगा, थोड़ा सा हम ब्राइटनेस यहाँ बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों और अच्छा से समझ में आए। यहाँ पर क्या होगा कि देखिए यहाँ पर बीच में एक प्लस का निशान है, प्लस में जैसे जाएंगे ना आपका पूरा का पूरा फाइल खुल जाएगा। जहाँ पर है जैसे वीडियो खोलना है तो वीडियो में जाइए, ऑडियो खोलना है ऑडियो में जाइए। तो हम एग्जाम्पल के सेट करने के लिए बस एक हम छोटा सा वीडियो ले लेते हैं हमारे, उसके बाद आपको उसको एडिट करके भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है जिसको हम ले लिए यहाँ से, ठीक है। एक और वीडियो भी है, हम उसको भी ऐड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं, एक और वीडियो हम ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला वीडियो हम ले लेते हैं, ठीक है। दो वीडियो हमने ले लिया है यहाँ से, दो वीडियो को हमने इम्पोर्ट कर दिया। देखिए इस तरह से इम्पोर्ट होगा जो इंटरफेस आप देख रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिए, सारा वीडियो हम आपको बताएंगे बनाकर कि किस तरह से क्या क्या फंक्शन मिलती है और वाटर मार्क आता है कि नहीं आता है। तो उसके लिए स्टे ट्यून करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं क्योंकि कन्वर्टिंग करता है जो भी आपका फाइल, जिस तरह का भी फाइल रहेगा, यूट्यूब अपना किस फाइल में आपको मतलब वीडियो को एडिट करना आसानी रहेगा उस फाइल में ये खुद भी खुद कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये कन्वर्ट हो रहा है जब तक हम जा रहे हैं चाय पीने। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइल हमारा आ गया है। तो यहाँ पर एक फंक्शन आपको दिखता होगा ओवरले का, ओवरले यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओवरले क्या है कि अगर मान लीजिए हमको किसी भी तरह का कोई भी फाइल उठाना है या कोई भी फोटो या वीडियो उठाना है तो वो सारा चीज ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक वीडियो हमने उठाया हुआ है, एक फोटो हम उठाते हैं, ये वाला, चलिए इसको हमने उठाया, देखिए ये वाला आ गया। अब इसको क्या हम अपने हिसाब से कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। और इसको जो है यहाँ पर देखिए ये वाला जो दिख रहा है ना, हम किस पोजीशन में डाल सकते हैं वो चीज़ हम यहाँ से आसानी से डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आ गया। अब उसको जो है हम अलग अलग हिसाब से यहाँ पर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, जैसे अगर हम क्रॉप करना चाहेंगे तो उसको हम क्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए हम चाहेंगे कि एकदम भैया हिसाब से एकदम आए तो क्रॉप भी यहाँ पर से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें बात बताने के लिए कर रहे हैं, उसके बाद हम कहीं पर भी रख सकते हैं। तो देखिए ओवरले आ गया। यहाँ पर देखिए एक और चीज़ भी है, यहाँ पर देखिए तीन ओवरले आ गया, एक और वीडियो भी है। अगर हम वीडियो को चाहेंगे तो वीडियो को भी हम क्रॉप कर सकते हैं, जैसे ये वाला वीडियो एक और है, ठीक है। उसको अगर हमको सीधा करके कहीं पर लगाना है तो यहाँ पर जैसे हम लगा दिए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर चला के दिखाते हैं आपको, देखिए ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और यहाँ पर फोटो भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ ओवरले, जैसे अभी हम मान लीजिए देखिए इसको हम यहाँ पर टैप किए, कितना आसानी से मतलब यूट्यूब कर दिया, देख लीजिए यहाँ से कर दिया और यहाँ से ये फ़ोटो है, फ़ोटो को भी हम यहाँ से घसका के यहाँ पर फ़ोटो दिया हुआ, इसको हमको घसका के ला दिया, फर्स्ट में ला दिया। अब इसको चला के आपको दिखाते हैं, देखिए तीनों ही चलेगा, देखिए फ़ोटो भी चल रहा है, मेन वाला भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो मतलब हम यहाँ पर से ओवरले में लेयर बना सकते हैं कि कौन सा लेयर है और उस पार्टिकुलर एक एक रियल लेयर को हम यहाँ से उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, एनिमेशन भी दे सकते हैं। अलग अलग तरह का एनिमेशन है, देखिए इस तरह से एनिमेट करता है तो वो देखिए इस तरह से उतरा, अगर ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, किसी भी तरह से ट्रांजिशन अगर लगाना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से, ये वाला को ध्यान दीजिए, देखिए ट्रांजिशन लग गया,
ठीक है, तो ये सब सारा चीज है। वीडियो में भी उसी तरह से एनिमेशन कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, मूव टू फ्रंट, मूव टू बैक, डुप्लीकेट वगैरह बना सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज। देखिए अलग अलग तरह के इफेक्ट वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारा चीज आप समझ गए कि भैया हम एक चीज को बहुत तरीके से कर सकते हैं। चलिए मेन वाला में आते हैं, जो मेन हमारा फ्रेम है उसमें हम आते हैं। तो यहाँ पर हम आगे घसका देते हैं और ये वाला जो ओवरले इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये वाला जो ओवरले दिया हुआ है इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये वाला को देखिए, एक ओवरले को हमने हटा दिया, यहाँ से दूसरा को अगर हम हटाना चाहेंगे तो ये भी हट गया। अब कुछ और नहीं है, अब हमारा डायरेक्ट वीडियो है। तो देखिए डीप वीडियो में हम क्या क्या कर सकते हैं। वीडियो में जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं, इफेक्ट का जैसे हमने बताया अपना एडजस्ट कर सकते हैं, इसका ब्राइटनेस वगैरह को, कलर टिंट वगैरह को कर सकते हैं, इसका स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं, क्लिप को, ऑडियो क्लिप को जो है क्लीन कर सकते हैं, अगर नॉइस वगैरह है तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पर रिवेंज कुछ है यहाँ पर, ये वाला मतलब दूसरा कुछ अगर लेना है तो वो भी हम ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, ये सब सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो ये मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और इफेक्ट एडजस्ट भी है यहाँ पर अलग अलग हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, रोटेट का भी यहाँ पर दिया गया है कि किस हिसाब से आपको रोटेट करना है, कहाँ से करना है, देखिए कितना करना है, वो सारा चीज़ आप यहाँ पर से बहुत ही आसानी से यहाँ पर से कर सकते हैं। यहाँ पर से टेक्स्ट लिखने का दिया गया है, आप टेक्स्ट किस हिसाब से लिख सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट इफेक्ट लिख सकते हैं। इफेक्ट अगर आपको लेना है तो अलग अलग तरह का इफेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये वाला लिखना है तो देखिए यहाँ पर से लिख लिया, इसको कहीं पर से भी अगर हम एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी एडजस्ट अगर करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए ये वाला है यहाँ पर आ गया। अब हम इसको अगर चलाएंगे, देखिए इस तरह से इफेक्ट आएगा जो बहुत ही कमाल का लगेगा। तो इसको आप छोटा बड़ा जो भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से आ गया, यहाँ पर टेक्स्ट हो गया। तो टेक्स्ट का हमने आपको बता दिया कि इफेक्ट वगैरह कैसा है। देखिए इफेक्ट में भी एडिट कर सकते हैं, उसका एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, डुप्लीकेट लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टिकर वगैरह आ गया। तो स्टिकर आपको कैसा लेना है, बहुत सारे स्टिकर है जिसको आप ले सकते हैं, GIF फाइल भी ले सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे GIF फाइल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं कुछ GIF चाहिए तो वो भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर से देखिए इमोजी वगैरह डाल सकते हैं, स्माइली वगैरह, तो वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टिकर हो गया। साउंड में आते हैं, तो साउंड का क्या है कि आप अगर कोई म्यूज़िक लेना चाहते हैं तो म्यूज़िक ले सकते हैं, और ये कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक रहेगा यहाँ पर, जो भी आपको म्यूज़िक मिलेगा कॉपीराइट फ्री मिलेगा, तो आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। योर म्यूज़िक अगर कुछ है डाल सकते हैं, साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं अलग अलग तरीका का, और म्यूज़िक को मतलब ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर वॉइस ओवर, अगर वॉइस ओवर आपको करना है तो वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई वॉइस ओवर आपको चाहिए तो वो भी आप डाल सकते हैं, जो बहुत ही इफेक्टिव है। उसके बाद उसके बाद वॉइस ओवर के बाद यहाँ पर कैप्शन अगर कुछ लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। स्टार्ट गेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद वीडियो को देखिए, वीडियो सोर्स हो गया। यहाँ पर लैंग्वेज, लैंग्वेज अपना सिलेक्ट कर लीजिए किस में करना है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी में जैसे कर लिया, जनरेट करना है तो यहाँ पर ये जनरेट करेंगे तो ये शायद खुद ब खुद लेगा या क्या लेगा समझ में नहीं आ रहा मुझे, लेकिन यहाँ पर आप टाइम दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, तो हो सकता है कि ये अपने से आपका जो वीडियो है उसका वॉइस ओवर कर दे और उसके बाद ये कैप्शन बना दे। तो क्रॉप का यहाँ पर फंक्शन नहीं दिया गया है। हाँ, ऊपर वाला जो फाइल है, अगर कोई ऊपर वाला फाइल आएगा, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कोई ऊपर वाला ओवरले का फाइल अगर करेंगे तो उसका क्रॉप करने का यहाँ पर दिया गया था। जैसे ये सारा चीज़ है, जैसे टाइटल वगैरह है, तो ये सारा चीज़ को आप क्रॉप कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ था। अब उसके बाद ये सब होने के बाद, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है देखिए क्रॉप करने से, एस्पेक्ट रेशियो आपको किस फाइल में चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, दिया हुआ कोई भी फाइल है उसको आप यहाँ पर से क्रॉप कर सकते हैं इस हिसाब से। जैसे मुझे ऐसे बनाना है तो यहाँ पर से हम ऐसे करेंगे, सेव कर देंगे। तो देखिए ये आ गया है, ठीक है। यहाँ पर से मेन वाला को लेते हैं, मेन वाला होगा क्या, एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो, अच्छा इस हिसाब से आ जाएगा। देखिए क्रॉप हो गया है ये वाला, अगर हम इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ये डिलीट और यहाँ से ये डिलीट, तो देखते हैं अब। तो हाँ यहाँ से देखिए ये हो गया, इस हिसाब से चौड़ा में बन गया। तो एस्पेक्ट रेशियो का यहाँ से था, जो तीन फाइल है उसी हिसाब से ले सकते हैं, 16:9, 9:16 और 1:1,
का हिसाब से दिया गया है, तो आप देख लीजिए। उसके बाद हम इसको इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट में क्या है, देखिए यहाँ पर से हाईएस्ट जो दिया गया है 1080p, मैंने 1080p पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं इसको और आपको यही वीडियो दिखाते हैं कि वाटर मार्क वगैरह या कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके लिए स्टे ट्यून करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो फाइल है यहाँ पर रेडी टू वॉच हो गया। अब चलिए हम रेडी टू वॉच या फिर ये यहाँ पर से दिखा रहा अपलोड टू यूट्यूब या शेयर, ठीक है। तो हम रेडी टू वॉच में देखेंगे कि भैया ये जो वीडियो है हमारा कैसा बना, तो उसके लिए हमको जाना होगा गैलरी में, और गैलरी में जाने के बाद यहाँ पर से वो फाइल हमें दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वीडियो में आएंगे तो देखिए फर्स्ट वाला फाइल है, हम हॉरिजॉन्टल से किए थे, तो अभी हम चला रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी आपको वाटर मार्क नहीं दिखेगा, यहाँ पर साउंड वगैरह भी आता होगा आपको। अपडेट में आना है, यहाँ पर क्लिक करना है इस तरह से, और देख लीजिए यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का आपको वाटर मार्क नहीं दिखता होगा जो यूट्यूब का खुद का है। तो यहाँ पर आप फुल HD इसका अगर हम दिखाएंगे आपको, तो देखिए यहाँ पर जो है ये 237 MB का फाइल बना है। यहाँ पर रेजोल्यूशन देख सकते हैं कि फुल HD पे ये वीडियो को मतलब बनाया गया है, और यहाँ पर किसी भी तरह का वाटर मार्क नहीं है। तो सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी इस ऐप की, जिसके हिसाब से आप सब कुछ कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, इसका वॉइस ओवर कर सकते हैं, और जो मर्जी वो कर सकते हैं, सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये इस ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आके अपना नया प्रोजेक्ट देख सकते हैं या फिर यहाँ से प्रोजेक्ट ले सकते हैं, और फोटो से वीडियो, वीडियो से फोटो, और वॉइस ओवर सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह का अपटूडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आपको ये जो यूट्यूब का ऐप है कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये जो है बहुत ही अच्छा हो गया हम सब क्रिएटर के लिए, जो मुझे काफी जबरदस्त लगा, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।